Hey guys, once again, welcome back to the channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खांडवी की रेसिपी. इसे गुजराती में पाटुडी भी बोला जाता है. आज मैं दो तरीके से खांडवी बनाऊंगी, एक जो है वो स्टफ्ड खांडवी एंड दूसरी जो है वो सिंपल खांडवी बनाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी. मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है, एक कप बेसन में जाएगा, एक कप दही एंड दो कप पानी. तो आप कोई भी कटोरी कप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो सेम आपको यूज़ करना है. तो एक कप मैंने बेसन ऐड कर दिया है जिसमें एक कप दही ऐड करेंगे. दही को बीट करके ऐड करना है एंड ये दही की कटोरी में ही मैं दो कप पानी ऐड कर दूंगी एंड यही कटोरी से हम पानी ऐड करेंगे. सो ये डाल दिया एक कप पानी एंड ये ऐड कर दिया दूसरा कप. तो मेजरमेंट सिंपल है, जितना बेसन है उतना दही रहेगा एंड उसका डबल जो है वो पानी रहेगा. हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट. जिंजर एंड ग्रीन चिली को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, उसका पेस्ट मैं यहाँ पे एक चम्मच ऐड कर रही हूँ एंड इसे हम मिक्स कर लेंगे. स्टार्टिंग में इसमें लम्स रहेंगे बट इसे मिक्स करते रहिए एंड एक लम्प फ्री बैटर हमें तैयार करना है. तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बैटर जो है वो तैयार हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है. अभी एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेनर लगा देना है एंड ये जो हमने बैटर तैयार किया है वो ऐड कर देंगे ताकि जो कोई भी लम्स है वो यहाँ पे निकल जाएंगे एंड जिंजर एंड ग्रीन चिली की जो स्किन है वो भी निकल जाएंगी एंड एक स्मूथ टेक्सचर हमें मिल जाएगा. खांडवी के लिए एक स्मूथ टेक्सचर वाला बैटर हमें चाहिए जो तैयार है. इसमें 1/4 टीस्पून मैं हल्दी ऐड कर दूंगी एंड अच्छे से इसको मिक्स कर देना है एंड ये बैटर तैयार है. एक कढ़ाई ले लेंगे जिसे लो फ्लेम पे हम गरम करेंगे एंड ये बैटर इसमें ऐड कर देंगे. यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है तो उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसे हम कुक करते रहेंगे एंड फिर ये कढ़ाई पे चिपकने के चांसेस है. तो लो फ्लेम पे सारी प्रोसेस हमें करनी है. लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूस आपको मिक्स करते रहना है, कॉर्नर पे से इस तरीके से निकालते रहना है. थोड़े टाइम बाद इसका जो टेक्सचर है वो थिक होता जाएगा एंड अगर आप इसे नहीं मिक्स करते रहोगे, चलाते नहीं रहोगे तो इसमें लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कॉर्नर पे से इस तरीके से इसे निकालते रहिए एंड मिक्स करते रहिए. तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो बैटर है वो तैयार हो चुका है? तो ये 10-15 मिनट्स के बाद ये जो है वो बहुत ही गाढ़ा बैटर हो जाएगा. आप पोरिंग कंसिस्टेंसी करोगे तो वैसा बैटर नहीं रहेगा, ये थिक हो जाएगा एंड आप इसे स्प्रेड कहाँ पे करोगे वो आपको देखना है. आप अगर डिश पे कर सकते हो या फिर किचन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो. सो किचन प्लेटफॉर्म पे करने वाले हो तो किचन प्लेटफॉर्म आपको क्लीन रखना है या फिर आप डिश पे करोगे तो डिश तैयार रखनी है. एंड यहाँ पे 15 मिनट्स बाद मुझे लग रहा है कि ये बैटर तैयार है. तो यहाँ पे मैंने एक डिश के पीछे एक पैच लगा दिया है एंड इसे मैंने 2-3 मिनट बाद सूखने दिया एंड यहाँ पे मैं रोल करने की ट्राई कर रही हूँ. ये रोल हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है. तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, डिश हमने तैयार रखी थी उस पर स्प्रेड कर देना है. अभी हमें फटाफट काम करना है बिकॉज ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें लम्स हो जाएंगे एंड ये इजीली स्प्रेड नहीं होगा एंड खांडवी अच्छी तैयार नहीं होगी. तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बैटर एंड जितना पतला हो सके उतना आपको इसको स्प्रेड कर देना है. तो यहाँ पे मैं एक थाली है, डिश है, उसके पीछे मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ. तो ये एक डिश पे स्प्रेड हो चुका है अच्छे से. इसी तरीके से मैं दूसरी डिश पे भी स्प्रेड कर दूंगी. सो जितना पतला हो सके उतना आपको स्प्रेड करना है एंड एक्स्ट्रा बैटर निकाल लेना है. सो इसको मिक्स करते रहना है, तब आपको सिर्फ पेशेंस का काम है एंड बस इसे इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए. 5 मिनट इसे सूखने देना है, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. रूम टेम्परेचर पे इसे 5 मिनट छोड़ दीजिए एंड फिर 5 मिनट के बाद इसमें हम कट लगा लेंगे. सो 5 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडा हो चुका है. अभी इसमें मैं 3 वर्टिकल कट लगा रही हूँ. आपको छोटी चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल भी एक कट लगा सकते हो.
देन जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके से मैं खांडवी तैयार करूँगी। तो स्टफ़ खांडवी के लिए यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 छोटी चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई ऐड कर दी है, राई स्प्लटर हो गई। तो 1 ग्रीन चिली को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। उसे ऐड करने के बाद मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी बंद। एंड यहाँ पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूंगी 3-4 टेबलस्पून, यानी कि कोकोनट जो सूखा कोकोनट होता है उसका उसे ग्रेट किया हुआ मार्केट में इजीली मिलता है। बट अगर आपके पास सिर्फ सूखा कोकोनट है तो उसे भी आप ग्रेट करके घर पे ही ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो यूज़ किया था एंड इसे मैंने स्प्रेड कर दिया है। एंड इसे आराम आराम से हम रोल करेंगे, तो इसमें जल्दबाजी ना करिए, आराम से इसे रोल कर लीजिए एंड ये हमारी पाटुड़ी जो है स्टफ्ड पाटुड़ी वो तैयार हो जाएगी। सो ये फर्स्ट पाटुड़ी तैयार है, इसे मैं एक प्लेट में ऐड कर दूंगी। सो इस तरीके से सारी पाटुड़ी जो है हम रोल कर लेंगे। सो ये जो है ये पेशेंस का काम है, 10-15 मिनट सबको चलाते रहना है, उसमें पेशेंस रखना है। बाकी इसे आप आराम से घर पे बना सकते हो एंड जैसे मार्केट में मिलती है, बाज़ार में मिलती है, वैसे ही टेस्ट की पाटुड़ी आप घर पे इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे एक पाटुड़ी जो है उसका सेट तैयार हो चुका है एंड ये सिंपल वाली पाटुड़ी है जिसे हम पहले रोल कर लेंगे एंड इसके बाद इसके ऊपर तड़का लगाना है। तड़के में सिर्फ ऑयल ऐड करना है एंड मस्टर्ड सीड्स एंड ग्रीन चिलीज आपको ऐड करनी है, तो आप फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हो। तो उस तरीके से ये पाटुड़ी भी तैयार हो जाएगी। जो फर्स्ट वाली थी वो मैंने स्टफ्ड पाटुड़ी की थी एंड ऊपर से आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट आपको पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे पाटुड़ी तैयार है, ऊपर से मैंने तड़का भी लगा लिया था, ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है एंड बहुत ही टेस्टी सी ये पाटुड़ी तैयार होती है बाहर जैसी ही। बस ये बहुत ही सिंपल से तैयार हो जाती है, सिर्फ आपको 10-15 मिनट्स बाद इसे चेक करते रहना है, पैच टेस्ट करना है। अगर वो रोल हो रहा है तो गैस की फ्लेम बंद करके आपको इसे स्प्रेड कर देना है। बहुत ही इजीली एंड टेस्टी बनती है। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नए एक वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।